में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हासिल करने के लिए उल्टे तरीके होते हैं। देखिए मनुष्य की चालाकी। एक मनुष्य बाहर भीख मांग रहा है और एक मंदिर के अंदर। एक मनुष्य मंदिर के अंदर भीख मांग रहा है और एक मनुष्य मंदिर के बाहर। फर्क क्या है? एक सूट बूट में भीख मांग रहा है और एक फटे हुए कपड़े में, लेकिन दोनों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती। भिखारी सदैव सारी जिंदगी भीख मांगते मांगते गुजार देता है, उसी प्रकार से वह अमीर भी जो सूट बूट में है उसका भी जीवन यूं ही कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पुरानी कथा है कि मांगने से भीख नहीं मिलती, मांगोगे भीख तो भीख नहीं मिलेगी, बिन मांगे मोती मिलेगी। अर्थात जो आपकी किस्मत में है वह आपको मिलकर ही रहेगा, दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है, कभी इस चौखट कभी उस चौखट, जितना मर्जी चाहे भटक लो, लेकिन आपके जो मिलना है वह फिक्स है। फिक्स डिपॉजिट आपके नाम हो चुका है। हाँ, उसमें से कुछ कम जरूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पिताजी ने आपके लिए मर्सिडीज सोची है, लेकिन आप रटते रहते हैं कि पिताजी मुझे 800 ही दे दो। तो पिताजी क्या करेंगे, आपको 800 दे देंगे और मर्सिडीज के पैसे फिक्स डिपॉजिट। तो इच्छा आपकी है कि आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं या 800 से काम। अगर नहीं भी भीख मांगेंगे तब भी आपको मिलेगा। कभी आपने देखा कि किसी माता पिता से बच्चे कहते हो कि पिताजी ये चाहिए? संपूर्णतः 7, 8, 11 साल के बच्चे तक सब कुछ उसके माता पिता पूर्ण करते हैं, चाहे वह अमीर है या गरीब है। गरीब से गरीब माता पिता भी अपने बच्चे का भरण पोषण अच्छे से इसलिए करते हैं, वह भविष्य देखते हैं। उसी तरह परमात्मा भी, हम परम पिता परमेश्वर की औलाद हैं, उन्हीं की संतान हैं। तो क्या हम लोग के बारे में हमारे पिताजी नहीं सोचते? सब कुछ सोचते हैं, लेकिन एक घर में अगर दो बच्चे हैं तो आप देखेंगे दोनों एक जैसे नहीं होते। एक अमीर है तो थोड़ा सा गरीब होगा, थोड़ा सा गरीब है तो थोड़ा सा अमीर। यह अमीरी और गरीबी हमारी सोच में है। कितना धन एकत्रित कर ले, भूख कभी नहीं मिटेगी। जब संतोष होगा, जब ध्यान लगाएंगे तो धन नहीं वह महाधन हो जाएगा। इच्छाएं कभी मरती नहीं है, और यही इच्छा जो है वह अंत समय में, जब मनुष्य का अंत समय आता है तो मुक्ति की बाधा भी यह इच्छा ही बनती है। इच्छाओं का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें, काम क्रोध मोह माया। माया का अर्थ है कि धन को लुटा ना दे, जितना जरूरी है उतना एकत्रित करें और उसी से संपूर्ण जीवन बिताया जा सकता है। आप हमेशा ऊपर देखते हैं, कभी नीचे नहीं देखते। खुशियां झोपड़ी या महल नहीं देखती। हमने अक्सर लोगों को झोपड़ी में भी खुश रहते हुए देखा है और महलों में रोते हुए भी देखा है। तो
खुशियों का अमीरी गरीबी से कोई नाता नहीं है, ना ही नींद का। नींद आलीशान पलंग पे भी आ सकती है और टूटी चारपाई पे भी आ सकती है। यह निर्भर आपकी इच्छा पे है कि आपको नींद आई है कि नहीं आई है। उसी प्रकार से जितने धन की आपको आवश्यकता है उतना ही कमाइए, कमाइए, दान दीजिए, अन्यथा आपकी किस्मत में भरपूर धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है। परमात्मा ने आपको संपूर्ण स्वास्थ्य दिया है, आपके संपूर्ण अंग हैं, तो इस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति आप ही हैं।